नमस्कार, मैं मीना सती। कभी भी आपको लूज मोशन हो तो आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी में एक चम्मच जीरा लेना है, उसको बॉईल करना है और फिर उसको सिप सिप करके आपको पी जाना है। देन इसके बाद सेकंड चीज आप करिए, आंवला कैंडी है या फिर आंवले को आप काट कर सुखा लीजिए धूप में और उसको मुंह में रखिए और उसको चूस चूस के उसका जो रस है उसको पेट में जाने दीजिए। वो भी आपको जो लूज मोशन का प्रॉब्लम है उससे धीरे धीरे उसको ठीक करेगा। थर्ड चीज है कि आप थोड़ा सा शहद ले लीजिए और कच्ची हल्दी लीजिए, उसको कूटिए, कच्ची हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के उसका रस निकाल लीजिए और उस शहद में मिला के उसको चाटिए आधा चम्मच। जितने क्वांटिटी में आपने हल्दी ली है उतनी क्वांटिटी में आपको शहद लेना है, उसको मिक्स करना है और उसको चाटना है। उससे भी आपका जो लूज मोशन है या फिर आपको बार बार लूज मोशन हो रहा है तो वो उससे ठीक होगा। साथ ही आपको हैवी चीजें नहीं लेनी है। पानी आप जब भी लें तो प्लेन वाटर ना लेकर उसमें कुछ ना कुछ मिलाएं, जैसा सैंधा नमक और थोड़ा सा गुड़ मिला के वो पानी पीजिए या फिर ORS का जो पैकेट है उसको घोल के उसको आप पी सकते हैं। प्लेन वाटर से जो है आपका और ज्यादा लूज मोशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्लेन वाटर नहीं लेके उसमें आपने सैंधा नमक या ORS का घोल मिला के वो पीना है। लाइट खाना खाना है, दलिया या फिर ऐसी चीजें जो हल्की हल्की है, मूंग की दाल, छिलके वाले मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। आपको छिलका निकली हुई जो मूंग की दाल है वो आपको लेनी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा उन लोगों को जिनको लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है या फिर बार बार कुछ भी खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है। थैंक यू।